हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में एप्टॉइड टीवी एप्लीकेशन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, स्टक हो रहा है, क्रैशिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है स्मार्ट टीवी में सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐप्स के सेक्शन में आना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्ड्रॉइड टीवी एप्लीकेशन शो हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर रिमोट में जो सेंटर बटन होता है आप उसको होल्ड कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक कर ओके कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पर परमिशन में आना है। उसके बाद यहाँ पर सारे परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप जो है अपनी स्मार्ट टीवी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो आपको एप्टॉइड टीवी को एक बार यहाँ पर अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर ओके अनइंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर आपको एप्टॉइड टीवी को अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप जो है फिर से एप्टॉइड टीवी को इंस्टॉल कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।